हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की मिसलिनियस। और मिसलिनियस को मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है क्योंकि इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं जिन्हें बच्चों को समझने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो वीडियोस लंबे होंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशंस ज्यादा हैं। ध्यान से देखिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स Which set are subsets of one and another? Set A is given as this, यानी इसके जो roots हैं वो set के element होंगे। Set B दिया है, set C दिया है, set D दिया है। तो अगर आप इसके roots बनाएं, x square minus 8x plus 12 के, x square minus 8x plus 12, तो मैं क्या करूंगा, minus 8x को लिख सकता हूं minus 2x minus 6x, middle term split कर रहे हैं, माइनस 2x माइनस 6x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये है जी। अब यहां से आप पहली दो टर्म्स में अगर x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया, हमारे पास आएगा x माइनस 2, जहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और बाद की दो टर्म्स में से अगर आप माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा x, और यहां पर नेगेटिव कॉमन लिया है तो यहां पर माइनस 2 बच जाएगा। और अब आप यहां से देख सकते हैं कि x की वैल्यू पहले फैक्टर से 6 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि सेट A में एलिमेंट्स हैं 6 और 2, ठीक है। और सेट B और C D तो क्लियर है, तो मैं लिख देता हूं सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 6 और 2। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 6 और 2, 2 6। आई होप इतना आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन किसका सबसेट है वो देखना है हमको, ठीक है ना। तो ए बी का सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है, देख लीजिए 2 6। ए डी का सबसेट नहीं है, तो ए बी का है, ए सी का सबसेट है, इतना क्लियर हो गया। डी ए का सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है और डी सी का भी सबसेट है ना, क्योंकि डी में सिर्फ 6 एलिमेंट है, जो ए में भी आता है, बी में भी आता है और सी में भी आता है। तो डी का हमने देख लिया, ए का हमने देख लिया। बी किसका सबसेट है, बी सिर्फ सी का सबसेट है क्योंकि 2 4 6 सिर्फ सी में आता है और सी किसी का सबसेट नहीं है। तो आपका आंसर बहुत ही क्लियर है, ए बी का और ए सी का सबसेट है, मैंने बताया ए बी का और ए सी का। डी तो तीनों का सबसेट है, डी ए का, डी बी का, डी सी का, और बी सी का सबसेट है, वो हमने देख लिया। तो क्वेश्चन काफी इजी था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको ट्रू और फॉल्स इसमें देखना है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए को बिलोंग करता है, एंड सेट ए बिलोंग्स टू बी, कैपिटल लेटर सेट्स होते हैं, तो सेट ए बिलोंग्स टू बी, तो क्या एक्स बी को बिलोंग करेगा। तो इसका आंसर है फॉल्स। आपको एग्जांपल इसका दे देते हैं, जब भी फॉल्स होगा एग्जांपल से उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, यह है सेट ए, ठीक है जी, यह है आपका सेट ए और x इसको बिलोंग करता है, इसमें x है 2, 1 भी ले सकते थे पर 2 सेट ए को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, x बिलोंग्स टू a, यहां पर हमने x कह दिया 2 को क्योंकि x मींस कोई एलिमेंट, 2 बिलोंग्स टू a, और जो सेट ए है वो b को बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हैं सेट ए यानी कि ब्रैकेट 1 2 b के अंदर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट ए बिलोंग्स टू बी, सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो कह रहे हैं क्या एक्स यानी कि 2 बी को बिलोंग करेगा, चेक कर लीजिए, क्या 2 बी को बिलोंग करेगा, जी नहीं, 2 बी को बिलोंग नहीं करेगा। बी को कौन कौन बिलोंग कर रहे हैं, 1 बिलोंग कर रहा है, ब्रैकेट 1 2 बिलोंग कर रहा है और ब्रैकेट 3 बिलोंग कर रहा है, 2 बी को बिलोंग नहीं करेगा। आई होप आपको समझ आ गया, 1 बी को बिलोंग कर रहा है, ब्रैकेट 1 2 बी को बिलोंग कर रहा है, ब्रैकेट 3 बी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कहा था ना सेट ए बी को बिलोंग कर रहा है। अब बी में आप कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं पर आप देखिए 2 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये
जो पहली स्टेटमेंट है यह आपकी हो गई फॉल्स और हमने उसका रीजन भी दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। सेकेंड पार्ट में है ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग करता है सी को, तो क्या ए बिलोंग करेगा सी को? ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो हमने एक सेट लिया ए और ये ए इज बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, ठीक है। फिर अगली बात उन्होंने कही कि बी बिलोंग करता है सी को, तो एक सेट सी बनाना है और बी उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए ए सबसेट है बी का और सी में बी बिलोंग करता है, बिलोंग करता है मतलब आता है, तो सी के अंदर वन तो है ही और ब्रैकेट जीरो टू भी सी के अंदर है और उसके अलावा सी में कुछ और एलिमेंट्स भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है क्या ए बिलोंग करता है सी को? तो ए क्या था? ए था ब्रैकेट टू। क्या ब्रैकेट टू सी को बिलोंग करता है? नहीं, सी को तो वन बिलोंग करता है, बी बिलोंग करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्री बिलोंग करता है, पर ए बिलोंग नहीं करता है, तो यहां पर आ गया जी फॉल्स, ये भी फॉल्स है। बात समझ में आ गई? आप और भी कई सारे एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स केस हो गया। आई होप क्लियर है। ए सबसेट है बी का, बी बिलोंग करता है सी को, तो क्या ए सी को बिलोंग करेगा? ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट है बी का, आपने कहा चलो कोई एक्स है जो ए को बिलोंग करता है, ठीक है बेटे, तो अगर कोई एक्स ए को बिलोंग करता है और ए बी का सबसेट है, तो वो एक्स बी में भी आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा। तो अगर कोई भी एक्स ए को बिलोंग करता है और ए सबसेट है बी का, तो वो एक्स बी में भी आएगा। और अब बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, इसका मतलब बी में आने वाले सारे एलिमेंट्स 100% सी के अंदर भी आएंगे, तो जो एक्स बी के अंदर आया वो गारंटेड सी के अंदर भी आएगा, तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग करता है सी को। तो जो एक्स ए को बिलोंग करता था वो बी को बिलोंग किया, क्योंकि ए सबसेट है बी का, और क्योंकि बी सबसेट है सी का, तो वही एक्स सी को बिलोंग किया, तो हम कह सकते हैं हाँ ए सबसेट है सी का, तो ये बात ट्रू है। इसको डायग्रामेटिकली आप ऐसे समझा सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये सेट ए है और इसके अंदर आता है एलिमेंट एक्स, ठीक है, फिर ये ए बी का सबसेट है, यानी ये जो सेट ए है ये सेट बी के अंदर आता है, ये जो सेट ए है वो सेट सेट बी के अंदर आता है, तो ये एक्स बी में भी आ गया ऑटोमेटिकली, और सेट बी सेट सी के अंदर आता है क्योंकि बी सी का सबसेट है, तो क्या ये एक्स सी में भी नहीं आ गया? 100% आ गया, तो इससे ये बात प्रूव होती है, ठीक है जी, कि ए सबसेट होगा सी का, तो ये बात हो गई ट्रू। अगली बात, अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए भी सी का सबसेट नहीं होगा? चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल से। तो सपोज कीजिए मैंने एक सेट लिया ए और ए के एलिमेंट है लेट अस से 1 2, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, तो अभी कंडीशन यह है कि ए बी का सबसेट नहीं है, तो मैंने बी कुछ ऐसा लिया कि ए बी का सबसेट ना हो, लेट अस से मैंने बी ले लिया 1, मैंने बी ले लिया 1, तो क्या ए बी का सबसेट है? नहीं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए बी का सबसेट नहीं है। बात समझ में आ गई बेटे? या फिर बी में आप और कोई एलिमेंट ले सकते हैं, लेट अस से मैंने इसमें ले लिया 3, है ना, तो अभी भी ए बी का सबसेट नहीं है। फिर आगे बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो मैंने सी लिया कोई सेट, बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, तो मैंने ले लिया 1 2, ये 3 इसमें नहीं होना चाहिए वरना बी सी का सबसेट हो जाएगा 4 1 2 4, ठीक है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई, बी सी का सबसेट नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई। क्या ए सी का सबसेट नहीं है? चेक कीजिए, सबसेट है, 1 2 इसमें आ रहा है, तो सबसेट है, यानी कि ये वाली बात हो गई फॉल्स,
एग्जाम्पल के साथ हमने प्रूफ करके बताया। मैथ्स के अंदर कोई भी चीज डिसप्रूव करते हैं तो एग्जाम्पल के द्वारा की जाती है, पर प्रूफ करते टाइम हम कभी भी एग्जाम्पल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटा दें हम, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं बेटे, ठीक है ना। अब देखिए आप फिफ्थ पार्ट पे ध्यान दीजिए। फिफ्थ पार्ट है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए को बिलोंग करता है, ठीक है, पर ए सबसेट नहीं है बी का, तो एक्स बी को बिलोंग करेगा, ट्रू या फॉल्स चेक कर लेते हैं। तो हमने लिया कोई सेट ए, लेट अस से कोई सेट ए ले लेते हैं, 2 4 ले लेते हैं लेट अस से, या 1 2 जो भी आपका मन करे, 1 2। तो मैंने सेट ए लिया 1 2, ठीक है बेटे। तो 2 इस सेट को बिलोंग करता है, राइट, तो हमने लिखा 2 बिलोंग करता है सेट ए को, 2 बिलोंग सेट ए। तो यहां पर x की वैल्यू 2 है लेट अस से, ठीक है, 1 भी ले सकते थे। अब a b का सबसेट नहीं है, a b का सबसेट नहीं है, तो मैंने कोई सेट b ले लिया, और मैंने सेट b लिया 3, तो a b का सबसेट नहीं है, है कि नहीं। तो कहता है क्या, तो कहता है कि x b को बिलोंग करेगा। अब देखिए ये जो x है क्या ये b को बिलोंग कर रहा है, क्या 2 इसको बिलोंग कर रहा है, जवाब है नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स, ठीक है। अब देखिए कोई बच्चा कहेगा सर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकता था जिसमें कि जो a था 2 था वो b को बिलोंग कर देता। तो बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट दी जाती है पहले देखिए क्या वो डिसप्रूव हो सकती है। अगर वो डिसप्रूव हो सकती है किसी एक एग्जाम्पल से भी तो आप उसको डिसप्रूव कर दीजिए, ठीक है। और आपको लगता है कि वो डिसप्रूव हो ही नहीं सकती है तो फिर उसको प्रूफ कीजिए, पर जैसा मैंने कहा प्रूफ कभी भी एग्जाम्पल से नहीं हो सकता, ठीक है बेटे। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैथ्स का। अगर सपोज कीजिए कि मैं कहता हूं कि मैं वर्ल्ड का स्ट्रांगेस्ट पर्सन हूं, मेरे से कोई नहीं जीत सकता, है ना, तो आप कहोगे सर प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम तो प्रूफ करके मानेंगे। और मैं कहता हूं चलो ठीक है मैं प्रूफ करता हूं, और मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति लिया और मैंने कहा ठीक है मैं इसको हरा के दिखा देता हूं और ये प्रूफ हो जाएगा कि मैं सबसे स्ट्रांग हूं, तो क्या आप मान लोगे इस एग्जाम्पल से? नहीं। तो एग्जाम्पल से कोई भी चीज सिद्ध नहीं की जा सकती। ऐसे ही आप एक कमजोर सा एग्जाम्पल लेकर इस बात को सच कह सकते हो, पर नहीं, मैं अपने इस काउंटर एग्जाम्पल से आपको फॉल्स साबित कर सकता हूं। ऐसे ही आप भी कह सकते हो नहीं सर ये रहने दो, मैं आपको एक फाइटर से लड़वाता हूं, आप बताना फिर आप कितने स्ट्रांग हो, तो फिर मेरी पोल खुल जाएगी, मेरा झूठ सामने आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो एग्जाम्पल के द्वारा किसी को डिसप्रूव कर सकते हैं, आपने मुझे डिसप्रूव कर दिया एग्जाम्पल के द्वारा, पर मैं अपने एग्जाम्पल के द्वारा खुद को प्रूव नहीं कर सकता। यही लॉजिक मैथ्स में लगता है, एग्जाम्पल के द्वारा हम कभी प्रूव नहीं करते। हाँ पहले हम प्रयास करते हैं, कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिससे हम डिसप्रूव कर पाए, तो मैंने करके दिखाया, देखिए मैंने सेट ए बनाया 1 2, ए बी का सबसेट नहीं है, तो मैंने बी जानबूझ के ऐसा बनाया कि इसका एलिमेंट इसमें कोई ना आए, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और फिर देखा हमने कि जो एक्स है वो बी में नहीं आया, हो गया डिसप्रूव, क्लियर हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। बात क्लियर हुई सब? तो ये बातें मैथ्स में जो है लॉजिकल बातें ये हमको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट है, अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और एक्स बी को बिलोंग नहीं करता तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। देखते हैं ये बात कितनी सच है। तो मैंने एक सेट लिया ए, के अंदर कुछ एलिमेंट ले लीजिए, सपोज कीजिए 1 2, ये हमने सेट ले लिया, ओके। और अब एक सेट ले लीजिए बी, इस प्रकार की ए बी का सबसेट हो, तो बी में 1 2 तो आएगा ही आएगा और उसके ज्यादा भी एलिमेंट आएंगे, तो
वन टू थ्री, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब हमने कहा कोई x है जो b को बिलोंग नहीं करता, कोई x है जो b को बिलोंग नहीं करता, तो जैसा कि हमने देखा पांच है जो b को बिलोंग नहीं करता, नहीं करता ना, तो क्या ये पांच a को बिलोंग कर सकता है? क्या ये पांच a को बिलोंग कर सकता है? कर ही नहीं सकता। कारण, क्योंकि a सबसेट है b का, तो डेफिनेशन से ही a जो बनेगा वो b के एलिमेंट से ही बनेगा। तो जब पांच b में आता ही नहीं है तो फिर a पांच से बन कैसे सकता है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, a सबसेट है b का, यानी b के एलिमेंट से ही बना हुआ छोटा सेट, ठीक है। अब कोई एलिमेंट b में आता ही नहीं है तो वो a में कैसे आ सकता है? तो ये बात तो सही हुई कि x अगर b में नहीं आता तो वो a में नहीं आ सकता। मेरी बात सबको क्लियर हुई? तो ये बात सच है, तो ये बात हो जाएगी ट्रू। तो हमने कहा, इसमें एग्जांपल नहीं देंगे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया बस, ठीक है। हमने कहा अगर ये सबसेट है बी का और एक्स बी में नहीं आता तो एक्स ए में भी नहीं आएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। सिंपल लिख दीजिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन भी लिखा, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि फिर वो ए बी का सबसेट ही नहीं हुआ ना, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ओनली, उससे ज्यादा एलिमेंट्स ए में नहीं हो सकते, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट का चांस ही नहीं। समझ आया? तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने को है। क्वेश्चन नंबर थ्री देख रहे हैं अब हम। लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। शो कीजिए कि बी बराबर है सी के। तो आपने देखा आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। शो करके दिखाइए कि बी बराबर होगा सी के। अब मैं आपको ये चीज अपने स्टाइल से प्रूफ करके दिखाऊंगा, वैसे इसको करने के और भी तरीके हैं। अभी आपने देख लिया ना क्या क्या गिवन है, ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तो मैं कैसे इसको प्रूफ करूंगा, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा, जैसा कि दिया गया है कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। पहला स्टेप ये तो गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, बी से कर देंगे इसका इंटरसेक्शन, बी से कर देंगे इसका इंटरसेक्शन। बच्चे कहेंगे क्या सर ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा, जैसे सिंपल मैथ्स में हम दोनों तरफ एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही हम दोनों तरफ एक नॉन एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन कर सकते हैं, अलाउ है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट साइड में भी बी से और राइट साइड में भी बी से इंटरसेक्शन कर दिया है। अब बोले इतनी बात आपको याद रहेगी कि नहीं? दूसरी बात बच्चे कहेंगे बी से ही कैसे याद रहेगा सर, क्वेश्चन में देखिए आपको लाना है बी बराबर सी, तो इन्हीं से ही, इन्हीं की हेल्प से लाना है, बी और सी की हेल्प से। तो मैंने जो इक्वल दिया था ना यूनियन, उसमें ही इंटरसेक्शन कर दिया। अभी इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सबको। मैं आपको बता दूं, अगर ब्रैकेट के अंदर एक सेट है ए यूनियन बी है जैसे, और ब्रैकेट के बाहर उसी से इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आंसर वही सेट के बराबर होता है जो अंदर भी है और बाहर भी है, यानी ये पूरा का पूरा बी के बराबर है। पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी, अभी फिलहाल ये याद रखिए, टेक्निक ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो सेट है और ब्रैकेट के बाहर जो सेट है, जो इंटरसेक्शन हो रहा है, कॉमन जो सेट है अंदर बाहर, ये पूरा आंसर उसी सेट के बराबर होगा। अभी मैं रीजनिंग दूंगा इसकी। और यहां पर आप लिखिए बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब ये कैसे लिख दिया, ये ऐसे ही है बेटा, अगर यहां पे लिखा होता लेट अस से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, मल्टीप्लाई के साइन को इंटरसेक्शन की तरह लीजिए और प्लस के साइन को यूनियन की तरह लीजिए, अगर ऐसे लिखा होता तो क्या आप लिख सकते थे 2 इंटू 3 प्लस
2 इंटू 5 लिख सकते थे, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, उसी तरीके से बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, काफी आसान है। ठीक है, अब मैं इस लॉजिक पे आता हूं, ये क्या था सर? देखिए बेटे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, ये है ए, ये है बी, ये जो टोटल इनका एरिया है वो है ए यूनियन बी, बात समझ में आ गई। अब जो भी ए यूनियन बी आया उसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, यानी ए यूनियन बी और बी में क्या कॉमन है, तो ए यूनियन बी तो टोटल एरिया हो गया इन दोनों रिंग्स का मिलाकर, और उसमें बी कॉमन, तो यही तो रीजन आएगा, ये रीजन, तो इसका आंसर बी ही होगा। तो अगर वेन डायग्राम से समझ नहीं आया तो इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लिया जाए कोई सेट है ए और सेट है 1 1 2 3, मान लिया जाए कोई सेट है ए 1 2 3 और कोई सेट है बी लेट अस से 2 4 5 2 4 5। ठीक है, पूरा एग्जांपल से समझा रहा हूं, वेन डायग्राम से समझ ना आए तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटे, ए यूनियन बी होगा इनका कॉम्बिनेशन, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, और मैं कहूं ए यूनियन बी और बी में कॉमन क्या है, तो कॉमन है 2 4 5, यानी कि खुद बी, तो ए यूनियन बी और बी में क्या कॉमन है, वही तो मैंने कहा था ए यूनियन बी तो टोटल एरिया है और बी तो दोनों में कॉमन क्या है, बी, समझे कि नहीं। तो जब भी आपको ऐसा मिले अंदर और बाहर सेम सेट है तो आंसर में वही सेम सेट आ जाता है, इन शॉर्ट। अब ये बात क्लियर हो गई ना, तो अगर अंदर सी है और बाहर भी सी है तो आंसर में आएगा सी। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं, ये आपके पास आ चुका है यहां तक। ठीक है, तो इतनी बात आपको नोट डाउन कर लेनी है अभी कि बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे ऐसे बढ़ेंगे कि जो ये हमने लिया था ना स्टार्टिंग में, तो हमने किससे इंटरसेक्शन किया, दोनों तरफ बी से। अब सेम प्रोसेस करना है पर अब की बार दोनों तरफ सी से इंटरसेक्शन करना है, तो अब आप लिखेंगे नाउ अगेन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और राइट साइड में सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया ऐसा आप कर सकते हैं। तो एक बार बी से इंटरसेक्शन करना है, एक बार सी से इंटरसेक्शन करना है। ठीक है बेटे, अब देखिए अगर आप मेरी ये वाली बात समझ गए तो इसकी वैल्यू सी के बराबर आ जाएगी, क्योंकि अंदर भी सी दिख रहा है बाहर भी दिख रहा है, तो ए यूनियन सी और सी में क्या कॉमन है, सी। तो मैंने आपको समझा दिया है कि नहीं, और इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए और फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटे, यहां तक बात समझ आ गई। ये जो आया था इसको हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो आया था इसको हम कहते हैं सेकंड। अभी थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा चेंज है फिर ये सेकंड हो जाएगी। देखो पहले वाले में यहां बी इंटरसेक्शन सी आया था, इसमें भी बी इंटरसेक्शन सी आया, इसमें ए इंटरसेक्शन बी आया पर इसमें ए इंटरसेक्शन सी आया, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए इंटरसेक्शन सी की जगह मैं यहां सी हटाकर बी भी लिख सकता हूं, सही बात है। तो अगले स्टेप में मैं इसकी जगह लिख दूंगा ए इंटरसेक्शन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब देखो बेटा, अब ये जो आपके पास आया इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2, और अब सीधा सीधा 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, तो इसका मतलब बी बराबर सी। देखो ना, B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन C, यानी इस पूरे की जगह मैं B पुट कर सकता हूं, तो B इज इक्वल टू C हो गया। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, समझ आ गया अच्छे से।
और भी दूसरे तरीके हैं, इससे मैं कराता नहीं हूं, मुझे थोड़ा ये लेंदी लगता है प्रोसेस इसलिए, ठीक है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है, देखिए क्या है। क्वेश्चन में कहा है शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, चार कंडीशन दी हुई है, शो करके दिखाइए कि चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं, यानी चारों का मतलब एक ही है। पहली कंडीशन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दूसरी कंडीशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव, तीसरी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और चौथी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये चार कंडीशन इक्विवेलेंट है हमें शो करके दिखाना। तो अगर आप थोड़े भी थके हुए हैं या आपका फोकस नहीं है तो अभी मत देखिए, फोकस है, पानी वानी पीजिए, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, आपके क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन आएगी ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, और दूसरी कंडीशन से पहली कंडीशन आएगी ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, यानी बोथ वे 1 to 2 और 2 to 1। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि 1 से 2 आ सकता है और 2 से 1 भी आ सकता है। फिर मैं अगले प्रोसीजर में 1 से 3, 3 से 1 लाकर दिखाऊंगा, और 1 से 4, 4 से 1 लाके दिखाऊंगा। इससे ये हो जाएगा कि चारों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये जो डबल एरो देखते हैं ना, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, यानी 1 से 2 आ सकता है और 2 से 1 भी आ सकता है। शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात, माना कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, वेन डायग्राम के हिसाब से बनाए तो ये है ए ब्लैक वाला, और बी वाला बनाते हैं आपके लिए दूसरे कलर का, तो ये रेड वाला है बी, तो ए के अंदर है बी, ठीक है जी। इतनी बात में कोई समस्या नहीं। अब आगे तो क्वेश्चन में कहा है ए सबसेट है बी का, ठीक है, शो करना है ए माइनस बी है फाइव के, ठीक है। हम कहते हैं मान लिया जाए ए माइनस बी फाइव नहीं है, मान लिया जाए ए माइनस बी फाइव नहीं है। तो अगर ए माइनस बी फाइव नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एक्स जरूर ऐसा है ए में जो बी में नहीं था, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट्स ए के जो बी में ना हो, ठीक है। और अगर ए माइनस बी फाइव नहीं है, यानी कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा एक्स है जो ए में था पर बी में नहीं था, पर ऐसा संभव कैसे है, ए तो बी का सबसेट है, तो अगर ए बी का सबसेट है तो ऐसा संभव कैसे है कि वो एक्स ए में था पर बी में नहीं था, ये तो संभव ही नहीं है। तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। आपने बात समझी हमने कैसे आंसर निकाला, प्रूफ निकाला। हमने कहा हमें प्रूफ करना है ए माइनस बी बराबर है फाइव फाइव की, तो हमने कहा मान लीजिए ए माइनस बी फाइव नहीं है, ए माइनस बी में कोई ना कोई एलिमेंट आता है, सपोज कीजिए ए माइनस बी में कोई एलिमेंट आता है एक्स, तो अगर ए माइनस बी में कोई एलिमेंट एक्स आता है तो यानी कि ये एक्स ए में है पर बी में नहीं है। पर ये पॉसिबल कैसे है अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब सीधा है कि ए माइनस बी फाइव के ही बराबर हो सकता है। बोलो जी, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने ये साबित कर दिया कि ए सबसेट बी है, तो इट इंप्लाइज ए माइनस बी है फाइव के इक्वल। अब उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, तो उल्टी डायरेक्शन में चलने में ये है कि लेट करेंगे ए माइनस बी फाइव है, और उससे शो करेंगे कि ए सबसेट है बी का, तो कैसे शो होगा देखिएगा। सबसे पहली बात, लेट एक्स बिलोंग करता है ए को, इस पहले वाले सेट को, ए को एक्स बिलोंग करता क्लियरली एक्स बिलोंग टू बी, जो एक्स ए को बिलोंग करता है वो पक्की बात बी को भी बिलोंग करता होगा। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बेटे क्योंकि गिवन है ए माइनस बी फाइव है। अगर ए माइनस बी फाइव है तो इसका मतलब जो भी एक्स ए में आता है वो सारे एक्स बी में भी आते हैं, तभी तो ए माइनस बी फाइव आ रहा है। तो हमने कहा अगर कोई एक्स ए में है तो 100% वो बी में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बी में नहीं होता तो ए माइनस बी भी फाइव नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर ए मैं ले लेता हूं, एलिमेंट है 1 2, एलिमेंट है इसमें ए सेट में 1 2, और कोई सेट है बी, सपोज कीजिए कोई सेट है बी और उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 लेट अस से, तो ए माइनस बी क्या होगा, आप खुद से पूछिए, 2 होगा कि नहीं, क्योंकि
क्यों? क्योंकि वो टू सिर्फ ए में आता है, बी में नहीं आता, इसलिए ए माइनस बी हो जाएगा टू। पर सपोज कीजिए वो टू भी बी में आता होता तो अब ए माइनस बी फाइव होगा कि नहीं होगा? सही बात है। तो हमने कहा, जब हमने शुरू में ही कह दिया ए माइनस बी फाइव है, यानी ए में आने वाला हर एलिमेंट गारंटी बी में आता होगा। तो ए में आने वाला अगर हर एलिमेंट गारंटी बी में आता है तो प्रूव हो गया ना ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यही तो खेल है, यही तो तरीका है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ किया कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए माइनस बी फाइव होगा, और ए माइनस बी फाइव है तो ए सबसेट होगा बी के, दोनों तरफ से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है। अब हम फर्स्ट सेकंड हो गया, अब हम जाएंगे फर्स्ट से थर्ड की तरफ। क्या है स्टेटमेंट थर्ड वाली? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो अब मुझे ए यूनियन बी को बी के बराबर लाना है। ठीक है, देखते हैं, फर्स्ट से थर्ड की तरफ जा रहे हैं अभी। तो हमने माना कि ए सबसेट है बी का, फर्स्ट स्टेटमेंट, और हमें ए यूनियन बी को बी के बराबर लाना है। अब देखिए, जब दो सेट्स को बराबर लाना होता है तो क्या तरीका है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये बार बार यूज होगा। अगर बेटे ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो गारंटी है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो कभी आप दो बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को देखिए, एक दूसरे से मिलते हैं, पहला नमस्कार करता है, आइए सर कैसे हैं आप, बड़े लोग हैं आइए बैठिए। दूसरा आदमी कहता है नहीं नहीं सर आप ऐसे कैसे कहते हैं। बी ए को कह रहा है कि नहीं आप तो मेरे से बड़े हैं आप पहले बैठिए। ए बी को कह रहा है आप मेरे से बड़े हैं आप बैठिए, बी ए को कह रहा है आप मेरे से बड़े हैं आप बैठिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई किसी से बड़ा नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। बात समझ में आई? दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा है। यही सेट में भी है, ए बी को कहता है जी मैं तो आपसे छोटा हूं, मेरे सारे एलिमेंट आप में आते हैं। बी ए को कहता है जी मैं आपसे छोटा हूं, मेरे सारे एलिमेंट आप में आते हैं। तो पक्की बात है दोनों बराबर हैं। ये सेट थ्योरी में इक्वल प्रूफ करने का रामबाण इलाज है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ए यूनियन बी को बी के बराबर दिखाना, तो मैं बी को ए यूनियन बी का सबसेट और ए यूनियन बी को बी का सबसेट दिखाऊंगा तो बात हो जाएगी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहली बात तो बी ए यूनियन बी का सबसेट होता ही होता है, इसमें किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों होता है? बच्चे हैं आप पूछेंगे क्यों होता है, तो देखिए बेटा सेट ए है मान लिया जाए 1 2, सेट ए है 1 2 और सेट बी है मान लिया जाए 3 4, सेट बी है मान लिया जाए 3 4 और मैं कहूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए यूनियन बी तो होगा 1 2 3 4, होगा कि नहीं? तो 1 2 3 4 होगा, तो क्या 3 4 यानी बी 1 2 3 4 का सबसेट हुआ कि नहीं? गारंटी हुआ, तो हर बार आप कह सकते हैं बी सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक बात, इसलिए हम कहेंगे हाँ ये बात तो सच है कि बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो इस पे कोई सवाल नहीं है। अब बस सवाल इतना सा है कि क्या ए यूनियन बी सबसेट है बी का, अगर हाँ तो फिर तो बात हो गई खत्म, प्रूव हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ए यूनियन बी को बी का सबसेट प्रूव करेंगे। ठीक है, हमने कहा मान लिया जाए कोई एक्स है जो ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, अगर कोई एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करता होगा तो पक्की बात है कि एक्स ए को बिलोंग करता होगा या फिर एक्स बी को बिलोंग करता होगा, क्योंकि यूनियन को इंग्लिश के शब्द और से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी वह एक्स या तो ए में आता है या तो बी में आता है। जैसे अभी मैंने बताया कि ए यूनियन बी में 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो जो इसमें एक है, एक वो एक या तो ए से लिया गया या तो बी से, जो दो है वो भी या तो ए से लिया गया या बी से, है ना, यही बात है। तो हम कह रहे कोई भी एक्स जो ए यूनियन बी में आता है वो या तो ए में आता है या तो बी में। अब ध्यान से सुनिएगा, बस हो गया। अगर वो एक्स जो आता है ए में, अगर वो एक्स आता ए में तो वो एक्स बी में गारंटी आता, बताओ क्यों? क्योंकि शुरू में अज्यूम किया है कि ए सबसेट है बी का, तो अगर कोई एक्स आएगा ए में तो गारंटी वो बी में आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, जो भी एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करता है वो एक्स बी में आ जाता है,
जितने भी एक्स ए यूनियन बी में है वो एक्स बी में आ जाते हैं। अगर ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट बी में आ जाते हैं तो इसका सीधा साधा मतलब क्या निकला कि ए यूनियन बी तो बी का सबसेट है। बोलो जी, बात समझ में आ गई? दोबारा बता दें एक बार, कोई एक्स ए यूनियन बी में आता है तो गारंटी वो या एक्स या तो ए से होगा या एक्स बी से होगा। अगर वो एक्स बी से है तो प्रूफ हो ही गया कि जितने भी एक्स ए यूनियन बी में है वो एक्स बी में आते हैं, इसका मतलब ए यूनियन बी बी का सबसेट है। पर अगर मान लिया जाए वो एक्स ए में भी आता है तो ए तो बी का सबसेट है, तो अगर ए बी का सबसेट है तो वो एक्स ए में आने की वजह से बी में भी आ जाएगा, और जो एक्स ए यूनियन बी में आया वो बी में भी आ गया तो ए यूनियन बी बी का सबसेट है। ठीक है, बार बार सुनिए, बार बार समझिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी। ए यूनियन बी में आने वाले सारे के सारे एक्स बी के अंदर आते हैं तो गारंटी बात है कि ए यूनियन बी बी का सबसेट हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने कहा था शुरू में ही, बी सबसेट है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी सबसेट है बी का, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी बराबर है बी के। अभी हमने क्या प्रूफ किया है एक बार आपको याद दिला देते हैं। हमने प्रूफ किया है कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी बराबर होगा बी के। अभी हमने ये प्रूफ किया है। अब हम उल्टी डायरेक्शन में प्रूफ करेंगे कि अगर ए यूनियन बी बराबर है बी के तो ए सबसेट होगा बी का। अब हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मान लिया जाए कोई एक्स है जो ए को बिलोंग करता है, कोई एक्स है जो ए को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर वो एक्स ए को बिलोंग करता है तो गारंटी वो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करता होगा। बोलो कोई समस्या इसमें? कोई एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो वो एक्स ए यूनियन बी को भी बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक्स बी को भी बिलोंग करता होगा। क्यों? कारण बता देते हैं। अब की बार हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए यूनियन बी बी के बराबर है, तो अगर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए यूनियन बी बी के बराबर है तो ए यूनियन बी बी के बराबर है ऐसे। ठीक है, तो जो एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करता है वो बी को भी बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग करता है बी को तो ए सबसेट हो गया बी का। ठीक है जी, एक बार फिर से सुन ले। हमने पहले ही अज्यूम किया कि ए यूनियन बी बराबर है बी के, ये हमने पहले ही अज्यूम किया। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर है बी के। अब हमने कहा कोई एक्स है जो ए को बिलोंग करता है, कोई एक्स है जो ए को बिलोंग करता है। अगर कोई एक्स ए को बिलोंग करेगा, ये रहा आपका ए, अगर कोई एक्स आपका ए को बिलोंग करता है तो गारंटी की बात है कि वो एक्स ए यूनियन बी में भी आता होगा। आता होगा कि नहीं भाई? अगर सेट ए है 1 2 और बी है 3 4 तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4। तो जो 1 ए में आ रहा था वो ए यूनियन बी में भी तो आया, पर क्वेश्चन में गिवन है कि ये ए यूनियन बी है ही बी के बराबर, यह है ही बी के बराबर। तो अगर कोई एक्स ए यूनियन बी में आ रहा है तो गारंटी एक्स बी में भी आ रहा होगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत में जो एक्स ए में आ रहा था वही एक्स बी में आ रहा है, इसका मतलब ए के सारे एक्स बी में आ रहे हैं, यानी कि ए सबसेट हो गया बी का, तो प्रूव हो गया। यह आपका फर्स्ट टू थर्ड और थर्ड टू फर्स्ट प्रूव हो गया। अभी लास्ट वाला है, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए के, ये आपको देखना है। ठीक है, फोर्थ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए के, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, जब ए सबसेट है बी का, क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा ए का। ये तो हर बार होता है, बता दें एक बार करके। मान लिया जाए सेट ए है 1 2 3 4, सेट ए है 1 2 3 और 4, और सेट बी है, कोई भी सेट ले लीजिए, 2 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी यानी जो इनमें कॉमन है वो क्या आया, चेक करके देखिए, वो आएगा 2 4। मुझे एक बात बताइए, क्या ये इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट नहीं है?
है ना, क्योंकि 2, 4 ही में आते हैं। क्या ये बी का सबसेट नहीं है? बिल्कुल है, ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। ठीक है, तो हमने कहा जी ए इंटरसेक्शन बी तो ए का सबसेट है, वो तो होना ही है, हर केस में होना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए इंटरसेक्शन बी तो ए का सबसेट हो गया, अगर मैंने शो कर दिया कि ए भी ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इक्वल हो जाएगा, जैसा अभी मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, तो हमने शुरुआत की ए से, हमने कहा देखिए जी कोई एक्स है जो ए में आता है, अगर वो एक्स ए में आता है तो क्योंकि ए बी का सबसेट है तो एक्स बी में भी आएगा, ए बी का सबसेट है, क्वेश्चन में पहले ही हमने लट किया। अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो ए बी का सबसेट होने की वजह से वो एक्स बी में भी आएगा। ठीक है, तो अगर एक्स बी में आएगा और ए में भी आएगा तो हम कहेंगे एक्स ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ठीक है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, तो जो एक्स ए में आना है वो गारंटी ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट है इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी तो सबसेट था ए का और ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। क्लियर हो गई? अब कन्वर्स जाते हैं, कन्वर्स यानी पहले अज्यूम कर लिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए के, और अब प्रूफ करेंगे कि ए सबसेट है बी के। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए के, ये तो हमने अज्यूम कर लिया पहले। मान लिया जाए कोई एक्स ए को बिलोंग करता है, तो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन को इंग्लिश के वर्ड एंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, तो इससे प्रूव हो गया कि एक्स बी को बिलोंग करेगा, यानी जो एक्स ए को बिलोंग कर रहे थे वो एक्स अब बी को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए सबसेट है बी का। जो भी एक्स ए को बिलोंग कर रहे हैं वो एक्स बी को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए सबसेट है बी का। तो 1 से 4 और 4 से 1 प्रूव हो गए, यानी सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब इस चीज को ना 3-4 बार देख लेना और फिर एक बार लिख के देख लेना तो ये आ जाएगी, और अगर ये स्टोरी की तरह सुन के छोड़ दिया तो नहीं आती ये चीज। ठीक है बेटे, आगे पढ़ते हैं, 5th पार्ट छोटा सा है, जल्दी से देखेंगे, वीडियो खत्म हो जाएगा, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं इसके हम। तो है, शो कीजिए कि अगर ए सबसेट है बी का तो सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। कितनी बढ़िया बात है, तो देख लेते सबसेट का। तो मान लिया जाए कोई एक्स है जो सी माइनस बी को बिलोंग करता था, कोई एक्स है जो सी माइनस बी को बिलोंग करता था। ठीक है, यानी वो सी को बिलोंग करता था और बी को नहीं करता था। सी माइनस बी का मतलब होता है सी में आने वाले एलिमेंट जो बी में नहीं आते हैं, यानी एक्स सी को बिलोंग करता था पर बी को बिलोंग नहीं करता था। जब एक्स बी को बिलोंग नहीं करता था तो गारंटी है कि वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, अभी ऊपर भी देखा था, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए में बी के ही एलिमेंट आ सकते हैं। तो हम एक्स बी को बिलोंग नहीं कर सकता था को लिख सकते हैं कि एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करता था। बात समझ में आ गई? तो फिर क्या प्रूव हुआ, क्या सिद्ध हुआ इस बात से? इस बात से सिद्ध हुआ कि एक्स सी को बिलोंग करता है पर ए को नहीं करता, यानी सी माइनस ए। बात समझ में आई? यानी कि जितने भी एक्स सी माइनस बी में आते थे वो सारे के सारे एक्स सी माइनस ए में आते हैं, और इसका मतलब ये कि सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। इसी के साथ ये वीडियो हम करते हैं खत्म, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।